हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि आज का जो वीडियो का फॉल्ट है, किस तरह वीडियो फॉल्ट है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो फॉल्ट वो रिपेयर करने के लिए एक एक पार्ट्स को चेंज करके ही देखना पड़ेगा। इसी तरह ये एक फॉल्ट है। तो चलिए, ये भी एक डाउट फॉल्ट है कि ये कौन पोजिशन का फॉल्ट है, कौन सेक्शन से हो रहा है। तो ऑलरेडी इसी तरह वीडियो प्रॉब्लम के ऊपर मैं दो वीडियो बना के रखा है। ये चाइना पीसीबी का वीडियो है, तो चाइना पीसीबी का प्लेलिस्ट आप चेक करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का अंदर इसी तरह दो फॉल्ट का वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो का वही सेम पार्ट्स का प्रॉब्लम है कि नहीं है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ दिखाऊंगा और लास्ट में कौन सा पार्ट्स फॉल्ट मिलेगा तो ये भी आपको ये वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, अभी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन और पुराना टेक्नीशियन सबका अलग से एक नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक अलग से टेक्नीशियन का पीसीबी है। ठीक है, वो बहुत कोशिश किया, टेस्ट किया, चेक किया, तब भी ये प्रॉब्लम रिपेयर नहीं कर पाया। और चलिए मैं भी टेस्ट करके देखूंगा ये प्रॉब्लम है रिपेयर कर सकता हूँ कि नहीं। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज ये वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग फॉल्ट दिखाऊंगा कि देखिए, ये चाइना पीसीबी है, जो लोकल पीसीबी। तो ये मैं फिटिंग्स किया ये मॉनिटर ट्यूब के अंदर। तो दोस्तों, ये एक अलग सा टेक्नीशियन का पीसीबी, ये जो इसका फॉल्ट आपको दिखाना चाहते हो। चलिए मैं ऑफ करके रखा है सप्लाई, चलिए मैं सप्लाई दे दिया और ओनली वीडियो सिग्नल लाइन इनपुट करके रखा है। इसका प्रॉब्लम आप अच्छा करके देखिए, इसका जो पिक्चर का क्वालिटी क्लियर होना चाहिए, देखिए पिक्चर का क्वालिटी क्लियर नहीं है। आप अच्छा करके देखिए, इस तरह लाइनिंग दिखा जाता है और कुछ कलरिंग दिखा जाता है। देखिए इस तरह ये पिक्चर कर रहा है। देखिए आप अच्छा करके इसका सिम्टम देखिए और उसके बाद ये कैसे रिपेयर किया जाता है ये आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आप अच्छा करके देखिए इसका सिम्टम किस तरह आता है। तो चलिए एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो प्ले करने के लिए कुछ प्रॉब्लम आया, इसलिए मैं अच्छा करके जो प्रॉब्लम था मैं सॉल्व किया। मेरा सेटअप बॉक्स का थोड़ा प्रॉब्लम था। देखिए मैं वीडियो में प्ले किया, प्ले करने के बाद आप इसका प्रॉब्लम देखिए, पिक्चर का ऊपर कुछ कलर का लाइनिंग आता है देखिए, और ये जो काटा काटा दाग भी देखा जाता है। अच्छा करके देखिए तो पता चल जाएगा, इस तरह इसका प्रॉब्लम है। तो चलिए आपको और अच्छा करके मैं देखूँगा कि पिक्चर ट्यूब को मैं घुमा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैं पिक्चर ट्यूब को मैं घुमा के दिखाता हूँ, इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। आप अच्छा करके देखिए, तो ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है ये आइडेंटिफाई करना और किस तरह आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वर्टिकल सेक्शन का कुछ लूज कॉन्टैक्ट भी लगता है कि माझे कभी कभी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है। तो इसका प्रॉब्लम आप जरूर अच्छा करके देख लिया। तो चलिए ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है आपको देखूंगा। ठीक है दोस्तों, और उसका पहले चलिए मैं और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ ये जो प्रॉब्लम है, और अच्छा करके एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह प्रॉब्लम का ऊपर मैं दो वीडियो बना के रखा है, और ये चाइना पीसीबी के ऊपर ही मैं दो वीडियो सेम टाइप सेम प्रॉब्लम, बट वो जो प्रॉब्लम मैं आपको इसी टाइम रिपेयर करके दिखाया। तो ये जो आईसी का 14 नंबर पिन है, इधर से ये एक नंबर साइट है, एक दो करके काउंट करेगा तो ये जो लाइन है देखिए, यहाँ पर फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा 8 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर 8 वोल्ट सप्लाई है और ये 8 वोल्ट सप्लाई एक आईसी पिन पर जाता है। ये सप्लाई लाइन का साथ एक कैपेसिटर है। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर का सीरीज एक देखिए रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस का बाद बीच में एक पीएफ है ग्राउंड का साथ, और ये जो लाइन जाता है ये रेजिस्टेंस का बाद ये 14 नंबर पिन पर। तो दोस्तों, ये 14 नंबर पिन का जो कैपेसिटर, ये फॉल्ट होने का रीजन से इस तरह फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों, और एक फॉल्ट मैं इसी तरह फॉल्ट रिपेयर किया,
ये आईसी का ये 33 नंबर पिन इधर से काउंट करेगा। तो दोस्तों आईसी का ये जो पिन है कि ये जो पिन नंबर आप देखिए, ये पिन जो नंबर अब देखिए, ये जो पिन 46 नंबर पिन, ठीक है, 46 नंबर पिन का साथ एक कैपेसिटर यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर देखा जाता है। तो ये कैपेसिटर फॉल होने का रीजन इस तरह फॉल्ट हो सकता है। मत बार दोस्तों, ये कैपेसिटर को चेक करने के बाद भी तब भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मन में लगता है कि इसका आईसी जो है, ये आईसी प्रोसेसर आईसी, ये आईसी को एक बार चेंज करके देखूँगा। ये आईसी का नंबर आपको एक बार बता सकता हूँ कि 8895CSNG7E35 लास्ट नंबर, ठीक है, ये जो प्रोसेसर आईसी है। तो ये प्रोसेसर आईसी को एक बार चेंज करके देखूँगा। तो दोस्तों उसका पहले आपका कुछ वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ESD है, ESD इसी तरह रिपेयर करके आया मेरा पास, ये सब आप देख सकते हो, तो इसी तरह रिपेयर करके आया, तो कोई बात नहीं। ये आईसी के एक बार ABL पिन वोल्टेज कितना है आपको एक बार मेजर करके देखाऊंगा। तो इसीलिए मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और तो मीटर का नेगेटिव कॉर्ड मिसिंग था, तो इसलिए मैं यहाँ पर मैं नेगेटिव कनेक्शन किया मीटर का, और मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट किया। तो चलिए इसी टाइम सप्लाई देख के आपको दिखाता हूँ कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिलता है। फर्स्ट इसका 110 वोल्ट सप्लाई, जो ESD सप्लाई होता है, ESD सप्लाई अभी देखिए 130 वोल्ट, ठीक है। और चलिए आपको ESD पिन पर दिखाना चाहता हूँ कि ये लास्ट 10 नंबर पिन का नीचे ये जो ABL का पिन है, ये ABL पिन पर कितना वोल्ट देखिए, 3.5 वोल्ट, ठीक है, ये ABL पिन पर वोल्ट है। और ये जो लाइन जाता है, ये जो लाइन देखिए यहाँ से, ये ABL लाइन का वोल्टेज है, यहाँ पर 4 वोल्ट का आसपास है, और यहाँ पर देखिए 4.2 वोल्ट का आसपास है, ठीक है दोस्तों। और ये जो लाइन जाता है देखिए, यहाँ पर एक जेनर डायोड है जो ABL लाइन का, यहाँ पर भी ये वोल्टेज मौजूद है, ठीक है। और ये लाइन से जो जेनर डायोड का ये साइड है, इनपुट साइड जो नेगेटिव साइड होता है, ये साइड से सिग्नल इनपुट होता है, जो ABL सिग्नल आईसी से, ये भी ओके है। तो दोस्तों और बहुत कुछ वोल्टेज चेक करने के बाद जो वोल्टेज का गड़बड़ कुछ सेम कुछ नहीं मिला, तो क्या करना पड़ेगा, ये आईसी को एक बार चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आईसी चेंज करके आपको एक बार देखा। ये PCB को अच्छा करके चेक करने के बाद, ये जो मेन प्रोसेसर आईसी आपको बात है कि चेंज करके देखूंगा, तो दोस्तों ये आईसी भी चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं अलग से आईसी लगाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो दूसरा नंबर का आईसी है बाटी, वो आईसी लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, सेम रिजल्ट मिला। तो वो ये आईसी का जगह ये आईसी भी काम कर रहा है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ वो आईसी आप देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों आईसी आप पोजीशन पर काम करता है। तो फाइनल इसका प्रॉब्लम जो मिला कि देखिए, इसका ESD मैं चेंज किया, मैं अलग से ESD लगाया, ये 1010 का ESD है, मतलब इसका ESD का अंदर से फायरिंग मिला, फायरिंग का वजह इस तरह फॉल्ट आ गया। तो ESD न्यू लगाने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो। तो चलिए एक बार वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइए, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया आपको कैसे लगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा फुल वॉच करने के लिए।